आज आपके सामने कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर के कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है, बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। तो आज हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन पर बने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते किसे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर विनिर्देशों का वह समूह, निर्देशों का वह समूह जिसके द्वारा हार्डवेयर को संचालित व कंट्रोल किया जाता है। निर्देशों का वह समूह जिसके द्वारा हार्डवेयर को संचालित व कंट्रोल किया जाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम ये चीज जरूर जानते हैं कि कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना अधूरा है। जितना महत्वपूर्ण हार्डवेयर है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हम तीन भागों में बांटा गया है, नंबर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर थ्री यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हल्का सा मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, फिर इसकी गहराई तक हम लोग चलेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो जो कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर कैसे, वो सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत जब कभी आपका सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है, खराब हो जाता है, हैंग करने लगता है, तब आप अपने कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ बेसिक सिस्टम के माध्यम से अपने सिस्टम को आप सही कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका यूजर कंप्यूटर से संबंध स्थापित कर सकता है। बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के हैं, मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर वन ट्रांसलेटर, जिसे हिंदी में अनुवादक कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर। नंबर एक अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेटर का, ट्रांसलेटर में आप ट्रांसलेट वर्ड से समझ रहे हो कि अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेटर में क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझता, तो क्या करता है ट्रांसलेटर, मशीन की भाषा को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है वो मशीन की लैंग्वेज होती है, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। इसमें सबसे पहला ट्रांसलेटर तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली इनमें से एक या दो मार्क्स के आपके आ जाते हैं। तो एसेंबलर की अगर हम बात करें, ट्रांसलेटर है थ्री टाइप्स, अनुवादक तीन प्रकार के हैं। नंबर एक है एसेंबलर, नंबर टू है इंटरप्रेटर एंड नंबर थ्री है कंपाइलर। एसेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा है आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है जिसका यूज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। बट इसमें एक एक स्टेप को प्रोसेस करके करता है, एक स्टेप प्रक्रिया पूरी हो जाने पर दूसरी प्रक्रिया को ट्रांसलेट करता है। और तीसरा है हमारा कंपाइलर, ये क्या करता है, यह भी एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत यह होती है कि यह लिखे गए प्रोग्राम को एक एक ना करके एक साथ करता है कन्वर्ट।
लिखे गए प्रोग्राम को एक एक करके न करके एक साथ कन्वर्ट करने का कार्य कंपाइलर करता है। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, जिसमें एक एक कथन ना हो करके एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू नो दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, बेसिक हम कई भाग कह सकते हैं, दो तीन, बट यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर टू मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग आंकड़ों को भरने में किया जाता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें क्या है ओरेकल, फॉक्सप्रो, इसमें क्या है हमारे डेटा को क्रम से फिल करने के लिए कार्य किया जाता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। और चौथा है हमारा ड्राइवर। नाम आप सुनते ही सोच रहे होंगे कार का ड्राइवर, नहीं, आपको पता है कि जब आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हो तो उससे रिलेटेड एक सीडी ड्राइवर मांगता है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो हमारा ड्राइवर है, बिना ड्राइवर के हमारे सिस्टम कंप्यूटर पर प्रिंटर अपलोड नहीं हो सकता, सॉरी प्रिंटर कार्य नहीं कर सकता। ड्राइवर एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो निर्माता द्वारा विशेष रूप से पेरिफेरल डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेरिफेरल डिवाइस क्या है। पेरिफेरल डिवाइस लाइक एज ए प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है वर्ड प्रोसेसर, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल शीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, टैली, गेम, ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण करते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है यूजर बेस्ड और एक होता है स्टैंडर्ड बेस्ड। यूजर बेस्ड में क्या होता है, आपको पता है कि जब आप कभी स्पेशली अपने शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण कराते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूजर बेस्ड होता है। एग्जांपल आप ले लो तुलस्याम, ऊन का सागर, इनकी शॉप पर इनका खुद का अपना सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। और दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से आपको पता रहे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूजर बेस्ड, एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा हमारा आता है, अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर के से जुड़े डिवाइसों के रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर। आपको पता है कि जब हमारे कंप्यूटर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमको फॉर्मेट करना होता है, तो हम कंप्यूटर के अंतर्गत कुछ शॉर्टकट की मदद से बायोस सेटअप करते हैं, वहीं से हम सेटिंग करके हार्डवेयर और हार्ड डिस्क
सीडी इन सभी का चयन वहां से कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आपको बताया सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको पता ही है करना क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते ही हो कि जब कभी कोई प्रोग्राम की एंडिंग होती है तो वहां पर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो आपके लिए ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि वीडियो में यहां मैंने आपको कहीं मेंशन नहीं किया, बट वीडियो के बीच ऑप्शन में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल। तो यदि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें दोगे। साथ ही आप बताओगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए कौन से हमने ऑप्शन आपको बताया था। उसके बाद आप ये हमें बताओगे कि आज उसके दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। अब आप सोचोगे कि सर ने तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो कुछ ज्यादा बताया नहीं, बट ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जब आप कभी मार्केट में निकलते हो, शैंपू का प्रयोग करते हो, तो आप कोई क्लिनिक प्लस यूज करता है, कोई हेड एंड शोल्डर यूज करता है। ठीक उसी प्रकार से लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है DBMS का फुल फॉर्म क्या है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? क्या मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था DBMS का? तो बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ चीजें पूछनी है, आपको पता है करना क्या है, मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही यदि आपको कुछ वीडियो में किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता है वीडियो में कमेंट कर सकते हो। हाँ, चैनल को आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पर क्लिक करना है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।